साल मार्च तक सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। इंदौर तीन बार स्वच्छता में नंबर एक बन चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगर निगमों की बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भोपाल के बाद जबलपुर में दो नगर निगमों की प्रक्रिया चल रही है। इंदौर को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बात नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने बुधवार को रेजिडेंसी में कही। पत्रकार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2019 तक सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अब तक किसानों के मुआवजे के लिए एक रुपए भी नहीं दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगर निगमों की बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल के बाद जबलपुर में दो नगर निगमों की प्रक्रिया चल रही है। इंदौर को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के नगर निगम आयुक्त द्वारा पैर छूने के मामले पर पल्ला झाड़ दिया। इस दौरान मंत्री से विधायक विशाल पटेल ने मुलाकात की। रही है कि प्रदेश सरकार जो क्षतिपूर्ति की राशि वो उपलब्ध नहीं करवा रही है, जिसके कारण सारे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और अब वो धरने की भी प्लानिंग कर रही है सरकार के लिए। ऐसी बात नहीं है, चूंकि क्षतिपूर्ति का पर्याप्त वितरण हर नगर निकाय को हो रहा है, उसके अलावा स्टैम्प शुल्क और अन्य भी जो ऐसी राशि दी जाती है, हम पर्याप्त राशि हर नगर को दे रहे हैं। इसके अलावा आज भी आप देखें तो अनेक शिलान्यास हम करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिससे कि इंदौर शहर को और अच्छी नई बड़ी सौगात मिलेगी। और इसके आगे भी इंदौर क्योंकि एक प्रकार से प्रदेश का नहीं पूरे देश में एक अलग ही पहचान है, तो यहाँ के विकास के लिए हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि महापौर महोदया ने पहले भी मुझसे मुलाकात की थी इसके बारे में। नहीं, 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, नगरीय निकायों के 1000 करोड़ चुंगी करके सरकार नहीं दे रही है। 1000 करोड़ और 48 करोड़ थे तो 32 करोड़ दिए जा रहे, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है अब ये प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूशन लेवल पर स्पीड अप किया जाए, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? इसकी हमारी कल बैठक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ हमने कल मीटिंग बुलाई है भोपाल में, जिसमें जो इंदौर के भी जो GC के माध्यम से जो लोग नियुक्त हैं अंडर स्पेशल जो उनके जो हेड्स हैं वो सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। और जो भी कुछ स्वाभाविक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें जो भी इश्यूज रहेंगी उनका हम तुरंत निराकरण करेंगे। और ये हमारा प्रयास है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में निरंतर हमारी रिव्यू मीटिंग होती रहे, ताकि इसमें काम ना रुके और सही समय सीमा में काम पूरा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसमें अभी अगले 1-2 महीने में और कुछ नए टेंडर्स भी निकलेंगे, मैं एग्जैक्ट तिथि तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द इसमें नए टेंडर्स भी आएंगे। सर मैं क्यों कमेंट करूँ, वो आप उनसे पैर छुए। अच्छा, संबल योजना में एक जो बड़ा गोलमाल हुआ है, शिवराज जी नाराज है, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई तो जेल डाल दीजिए, तो क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं या जो लोग जिनके पास अच्छा पक्का बड़ा मकान है, पर्याप्त संपत्ति है, अगर उनको भी संबल में जोड़ा जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में इसका एक पैटर्न निकल के आता है कि एक ही प्रकार के लोग इसमें जोड़े गए हैं, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके बारे में हमें जानकारी भी थी कि ऐसा घोटाला हुआ है, और मैं बधाई देता हूँ माननीय श्रम मंत्री जी को जिन्होंने इसकी पूरी जानकारी निकाली है, और इसमें बहुत बड़ा खुलासा होगा। शिवराज जी को कोई सलाह देंगे क्या? वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं जेल डाल दीजिए, उनका बयान आया है ऑफिशियल। देखिए, वो 13 साल CM रहे, उनको सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी और फिर जो भी सामने आएगा वो स्पष्टीकरण। सर दोनों तीन दिन में, सर तीन दिन में दो घटनाएं हुई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भी सार्वजनिक तौर पे कैबिनेट मंत्री चरण वंदना करते देखे गए, उसके बाद में कल खुद महिला होने के बावजूद भी निगम मंत्री, कोई ये बात परंपरा की नहीं है, ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जरूर उसमें जो व्यक्ति किसी के पैर छूता है उनकी अब क्या आस्था है वो हम उससे पूछिए। अच्छा।